वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बीसीए रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 बीसीए 053 वेब प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट डिस्कस किया था, तो अगर आपने हमारा वो वीडियो मिस कर दिया तो उसका भी लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे, आप वहां पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन बी क्या कह रहा है, राइट द सीएसएस कोड फॉर इंक्लूडिंग एन इमेज स्टोर्ड इन अ फाइल नेम्ड abc.jpg एज अ बैकग्राउंड इमेज, द इमेज शुड नॉट बी रिपीटेड, राइट। और ये भी आपका 3 मार्क्स का है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, तो आपको केवल सीएसएस कोड लिखना है और एक फाइल है जिसका की नाम abc.jpg फॉर्मेट में है, ठीक है, उसको आपको एज अ बैकग्राउंड इमेज यूज करना है और वो इमेज रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, राइट। इसके लिए आपको सीएसएस कोड लिखना है। तो चलिए अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं, लोकेशन डेस्कटॉप रख लेते हैं और यहां पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं BCS 053 December 21, राइट। अब हम इसमें फाइल का नाम दे देते हैं बैकग्राउंड image.html, राइट। और जैसे ही आप एस टाइप करेंगे ये आपका html कोड लिख के आ जाएगा और एंटर कर दीजिए, राइट। अब हमें क्या करना है, इस बॉडी को टारगेट करना है, तो हम चाहे तो एक्सटर्नल css का यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग इंटरनल css का यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करने जा रहे हैं, आप क्या करेंगे स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे, राइट। अब आपको क्या करना है, यहां पर टारगेट किसको करना है, बॉडी को, राइट। बॉडी एलिमेंट को आपने टारगेट कर लिया। और अब आप क्या करिए, जो फोल्डर आपने क्रिएट करा है उसमें एक इमेज बना लीजिए जिसका नाम abc.jpg कर दीजिए, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यहां से एक इमेज ले आते हैं, सपोज ये इमेज है आपकी, इसको हम क्या करते हैं सेव एज करके अपने फोल्डर में सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे गए और ये हमारा BCS 053 और इसका नाम हम रख देते हैं abc.jpg, राइट, abc और इसका जी, राइट। अभी अपने फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, इसका एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं, यहां से रिनेम कर देते हैं abc और एक्सटेंशन कर देते हैं jpg। तो देखिए jpg फॉर्मेट में चेंज हो गई, राइट। बस अब आपको इसको यहां पर इंक्लूड कराना है, तो उसके लिए कोड क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज राइट, और यहां पर दे देंगे URL में आपको क्या करना है abc.jpg कर दीजिए। और आपसे कहा गया था कि ये इमेज जो है वो रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे यहां पर बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी को ले लेंगे और इसको कर देंगे नो रिपीट, राइट। और इस फाइल को कर लीजिए सेव, अब इसको करा लीजिए रन, राइट क्लिक करिए और ओपन इन ब्राउजर कर लीजिए। देखिए सेम फोल्डर में रखने का ये फायदा होता है कि आपको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट इमेज का नाम दे सकते हैं, अदरवाइज आपको उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा URL में, राइट। तो देखिए ये आपकी इमेज आ गई, राइट।
देखिए रिपीट नहीं हो रही है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर आप रिपीट की जगह नो रिपीट कर देते हैं, सेव कर लीजिए और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर आपकी इमेज रिपीट होने लगी। देखिए और अच्छा तब समझ में आता जब आपकी इमेज थोड़ी छोटी होती, राइट। तो देखिए रिपीट होने लगी है ना, तो ये आपसे कह रहा था है ना, यानी कि आपको रिपीट नहीं करानी थी। राइट द सी एस एस कोड फॉर इंक्लूडिंग एन इमेज स्टोर्ड इन अ फाइल नेम्ड abc.jpg एज अ बैकग्राउंड इमेज, द इमेज शुड नॉट बी रिपीटेड, राइट। तो ये कोड आपको लिखना था जिसमें आपको नो रिपीट करानी थी, राइट। रिफ्रेश कर लीजिए तो देखिए इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।